हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। जैसा कि हम लोग फिजिक्स के क्लास टेंथ के चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लाइट, उस लाइट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस कर लिया था पूरा चैप्टर। और उसके आगे हम लोग चल रहे थे इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चल रहे थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके लॉ क्या होते हैं और वो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज उसके आगे हम लोगों को डिस्कस करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करना था। उसको डिस्कस करने से पहले मेरे पास एक कमेंट आया था। उस कमेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ डाउट आए थे। एक ही कमेंट है, एक डाउट आया था, तो उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने उसमें एक बात आप लोगों को बताई थी, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था उसका। तो उस कमेंट में जो क्वेश्चन ये था कि उन्होंने कहा था कि सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग जब रफ़ सरफेस पे कराते हैं तो इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं होते हैं रफ़ सरफेस पे, ये उनका क्वेश्चन था। तो असल में ये क्वेश्चन जो है उनके समझने में प्रॉब्लम हो गई, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने बताया था जो बताया था कि हम लोगों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का होता है। मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन दो तरह का बताया था। पहला रिफ्लेक्शन आप लोगों को मैंने ये बताया था प्लेन सरफेस पे। मैंने कहा था कि जब बहुत सारी लाइट बीम एक साथ प्लेन सरफेस पे गिराते हैं तो होता क्या है कि लाइट रे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होती है जितने पे वो आई होती है। और एंगल कहाँ से मेज़र करते हैं, नॉर्मल से मेज़र करते हैं। सारी लाइट रे इसी तरह से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इन सभी में जो एंगल आई, ये जो I1 एंगल कह सकते हैं, इसको I2 कह सकते हैं, और इस वाले एंगल को I3 कह सकते हैं। तो जो सभी में I1 = I2 = I3, ये तीनों यहाँ पे इक्वल होता है। और जो रफ़ सरफेस होता है, उस रफ़ सरफेस में हमारा जो ये एंगल, हम जब कोई लाइट रे गिराते हैं एक बीम के फॉर्म में, तो कुछ लाइट रे इस जगह में पड़ती हैं, कुछ लाइट रे इस जगह में पड़ती है, कुछ इधर पड़ती है, तो उन सभी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अलग अलग अगर लाइट रे की बात करें, तो अलग अलग लाइट रे जो हमारी होती हैं उनके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, I1 = I2, I2 = I3। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे पास अलग अलग रे हैं, अलग अलग रे में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है अलग अलग रे में इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये रफ़ सरफेस है। अब रफ़ सरफेस में एक पॉइंट यहाँ पे कुछ अलग से उबड़ खाबड़ दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है हम लोगों को, क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल किसी अलग डायरेक्शन में जा रही है, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल किसी अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही सबका चेंज हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबका चेंज हो जाएगा। अब जो बात आती है कि उन्होंने पूछा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल नहीं होते। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंस है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हर एक रे के लिए इक्वल होते हैं। लेकिन एक रे में जो भी एंगल दोनों बन रहे होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के दूसरे लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन सभी लाइट रे के लिए इक्वल आपस में नहीं होंगे, पर्टिकुलर एक रे के लिए दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये जो इंसिडेंट एंगल हैं सभी, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका कारण है कि इस सरफेस कैसी है, रफ़ है, और इस सरफेस पे जो हमारा नॉर्मल है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, प्लेन सरफेस की तरह नहीं है। प्लेन सरफेस पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रे के लिए भी हम बात करें तो I1 = I2 होता है, I1 = R होता है, R1 होता है। और अगर सभी रे की बात करें तो सभी रे के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि उनकी नॉर्मल जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे को किसी भी एंगल पर नहीं मिल रही है। तो बात समझ में आया, ये उनका डाउट था, तो इसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। तो अब इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है स्पीड ऑफ लाइट से।
ये बातें हमने बताई थी। ठीक उसी तरह से जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी क्या करता है, ये एक रेशियो होता है। रेशियो किस में होता है, स्पीड ऑफ लाइट का ही रेशियो होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट कहाँ कहाँ पे, तो एक होता है हमारा वैक्यूम में और दूसरा होता है हमारा किसी भी मीडियम में। इन दोनों के बीच जो रेशियो निकल के आता है उस रेशियो को ही हम लोग ये बता देते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये हमको ये बताता है कि किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी असल में कितनी है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी का एक रेशियो पता चलेगा, तो उससे हमें ये पता चलेगा स्पीड की जो लाइट ऑफ स्पीड है या लाइट की जो भी स्पीड है उस पर कितना इफेक्ट डालेगा कोई भी हमारा मीडियम। तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, हमारा बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये एक कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ रेशियो है। किसका रेशियो है, अब ये लाइट के टर्म में कैसे लिखा जाता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं लाइट के टर्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट के टर्म में आप लोगों को हम बता देते हैं, तो ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारा है इस लाइट की स्पीड के टर्म में, या स्पीड के टर्म में हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताई थी, स्नेल्स के लॉ में म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। अब ये साइन आई साइन आर क्या था, तो आप लोगों को पता था हम लोगों ने दो मीडियम लिए थे, एक मीडियम डेंसर था और एक मीडियम रेयर था, रेयर और डेंसर मीडियम था। तो मैंने जब यहाँ पे एक लाइट रे गिराई थी तो इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था, और दूसरी रे रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकली थी तो इससे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना था। इन दोनों के साइन को, रेशियो को ही हम लोगों ने क्या बोला था, कहा था ये वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू ही इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है। अब ये हमको ये बताती है कि उस रेयर मीडियम से कितना ज़्यादा दूसरा वाला मीडियम जो है वो डेंसर है, और इसमें लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, इस बात को हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्मूले के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सी की वैल्यू कितनी है, तो सभी को पता है कि वैक्यूम और एयर में स्पीड की जो लाइट होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो ये बता दिया कि एयर में और वैक्यूम में स्पीड की जो वो लाइट की जो स्पीड होती है वो आपने सेम बता दी, तो अब सबके दिमाग में आ रहा होगा आप तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैक्यूम एक अलग जगह है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एयर एक मीडियम है, वहाँ एयर है, तो एयर जो होगी वो वैक्यूम से तो डेंसर होगी होगी, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की घटना नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है, वहाँ क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि उसे हम लोग निग्लिजिबल ले लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड वैक्यूम में रहती है वही स्पीड हम लोग किस में मानते हैं, एयर में मानते हैं। वी क्या है, वी जो है यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, तो क्या हमेशा जो रे होगी हमारी वो वैक्यूम से किसी एक मीडियम में जाएगी, अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि जो लाइट रे है वो हमेशा वैक्यूम से ही आए, कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि हमारे पास वाटर है, वाटर से ग्लास में जा रही है या फिर ग्लास से वाटर में जा रही है, इस तरह से भी तो दो मीडियम हो सकते हैं। तो जनरली अगर हम कोई भी दो मीडियम लें तो उसके लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो उसको हम इधर स्टडी करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। किसके टर्म में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। अब कैसे, तो हम सपोज़ कर लेंगे कि हमारे पास दो मीडियम है, हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम रेयर मीडियम है जिसको हम लोग मीडियम वन नाम दे दे रहे हैं, और एक मीडियम हमारे पास दूसरा है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं, और इसको नाम हम लोग क्या दे दे रहे हैं, मीडियम टू दे दे रहे हैं। अब अगर कोई भी लाइट रे इधर इंसिडेंस होगी तो ये डेंसर मीडियम है तो इसमें नॉर्मल की तरफ वेंट हो जाएगी, ये सभी को पता है, ये हमने बता रखा है अपने पिछले लेक्चर्स में। तो इतनी बात समझ में आ गई।
तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है कि अब स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो इस वाले में ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें इसको लिखना होगा तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वन म्यू टू का क्या मतलब है? वन म्यू टू का मतलब है, म्यू को तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है वो मीडियम टू का हमें पता चलेगा, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। तो अब कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा वही तरीका कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, और यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर दूसरे वाले मीडियम का पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी कि ये उसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंसर है और कितना ज़्यादा रेयर है। तो अगर हमने वन को आगे कर दिया, टू को पीछे कर दिया, तो हमें वन का पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू टू। तो इस तरह से ये इसका लिखने का तरीका है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिपेंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो देखते हैं, पहला फैक्टर जो है वो हमारा नेचर ऑफ मीडियम होगा। क्या होगा? नेचर ऑफ मीडियम, यानी जो भी हमारा मीडियम होगा उसका नेचर कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंसर है मतलब या बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इस तरह के मीडियम पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है? दूसरा हमारा डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है? तो वेवलेंथ आप लोग पढ़ के आए होंगे 9th में, वेवलेंथ क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूँ। वेवलेंथ क्या होती है, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई लाइट रे इस तरह से ट्रैवल करती है तो एक सर्कल पूरा करने में जितनी डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइट की भी अपनी एक वेवलेंथ होती है, तो उसकी वेवलेंथ जिस तरह की होगी वो उस पे उस बात पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा, उस मीडियम का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा? और जो जहाँ पे भी ये हमारा इंसिडेंस हो रहा है उस इंसिडेंस के चारों तरफ एटमॉस्फेयर कैसा है, उस एटमॉस्फेयर पे भी हमारा डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चार चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे ये नहीं आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात से इंडिपेंडेंट है उस पर क्वेश्चन आता है। तो ये पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसको प्रभावित नहीं करती है, तो वो कौन सी है? तो वो चीज़ जो है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों है? आप लोगों को मैंने बताया था स्नेल्स लॉ में समझाया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इन दोनों के साइन का रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। तो यानी किसी भी एंगल पे अगर हम यहाँ पे लाइट रे को गिराते हैं तो अगर हम किसी भी एंगल पे लाइट रे को यहाँ पे गिराते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने वाला नहीं है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ पूछते हैं कि अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, ये होता है, हमें ये पता चलता है डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, आखिर में बात आती है कि ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमको देता है ये? तो ये हमको दो इन्फॉर्मेशन देता है।
पहली इन्फॉर्मेशन जो हमको ये देता है कि लाइट रे जो है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो वो किस साइड बेंड करेगी, या तो वो नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये देता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या देता है? दूसरी इन्फॉर्मेशन हमको ये देता है कि हमको ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दोनों मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट लाइट का रेशियो देता है। क्या देता है? स्पीड ऑफ लाइट का हमको रेशियो देता है, जो भी हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों मीडियम के बीच में लाइट की स्पीड का रेशियो कितना होगा। तो ये दो तरह की हमको क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। तो इतना आज हम लोगों ने सीख लिया कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट से रिलेशन क्या है, इसके बाद उसको लिखते कैसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो मीडियम्स के बीच में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम लोगों के लिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक से दो मीडियम के बीच में है तो उन दो मीडियम के बीच में रिलेशन क्या है। इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो से तीन मीडियम हो गए तो उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसको अपने नोट्स में लिखते जाइए, बनाते जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम लोग ये थोड़ा सा कल की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो बने रहिए और घर पे रहिए इस समय। थैंक यू।